हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज पूरा फैमिली के साथ हम लोग जा रहे हैं दक्षिणेश्वर टेम्पल। कोलकाता रसगुल्ला और दुर्गा पूजा के अलावा माता काली का पूजा के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा माता काली का पूजा भी होता है। अभी मैं आ चुका हूँ रानी राशमनी स्काई वॉक का पास। 2015 में मैं लास्ट टाइम जब आया था यहाँ पे स्काई वॉक नहीं था। अभी स्काई वॉक की वजह से आपका सफ़र और ईजी हो जाएगा। आप पूरा स्काई वॉक से डायरेक्ट चल के मंदिर तक पहुँच सकते हो। और स्काई वॉक के ऊपर बहुत सारा गिफ्ट शॉप और स्टॉल्स है जहाँ से आप बहुत सारे चीज़ शॉपिंग भी कर सकते हो। ट्रैफिक का झंझट भी बहुत कम हो गया। पहले दक्षिणेश्वर आने के लिए मेट्रो भी नहीं था, सिर्फ लोकल ट्रेन था या बस उबर में आना पड़ता था टैक्सी में। अभी तो मेट्रो भी दक्षिणेश्वर तक मेट्रो भी पहुंच गया है। लाइफ बहुत ही आसान हो गया है। स्काई वॉक से चलते चलते मैं मंदिर का मेन एंट्रेंस तक आ चुका हूँ। यही है मंदिर का मेन एंट्रेंस। माता काली का ये जो मंदिर है कोलकाता का, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे जो भी आता है सब लोग यहाँ पे पूजा देके जाता है। तो मंदिर का बाहर आपको ऐसा पूजा का डाला के लिए दुकान मिल जाएगा, जहाँ से आप पूजा सामग्री खरीद सकते हैं। 40 रुपया 50 रुपया से स्टार्टिंग है। तो सिंदूर, फूल, फल जो भी चाहिए आप ले सकते हैं यहाँ पर। अभी एक दिक्कत है, हम लोग को अंदर पूजा देने जाना है लेकिन अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। पिछले बार मैं जब 2015 में आया था यहाँ पे अंदर मोबाइल लेके जा सकते थे आप, लेकिन इस बार जब आया यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है। ये एक 9 मीनार वाला मंदिर है, इसको ऊपर 9 मीनार आप देख सकते हैं। पूजा दे दिया हम लोग। अंदर का तो वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि अंदर वीडियो अलाउ नहीं है। बस हम लोग अभी बाहर आ चुका है। माँ काली स्वयं रानी राशमणी देवी के सपने में आई थी और ये मंदिर बनवाने के लिए बोली थी। यहाँ पे एक छोटा सा मेला टाइप का है, तो अगर यहाँ से सुविनियर लेना चाहते हैं, यहाँ पे जो भी आप घर पे लेके जाना चाहते हैं यहाँ पर यहाँ का मेमोरीज, तो आप ये मार्केट से ले सकते हैं सब कुछ। यहाँ पे आपको शंख और पीतल का सामान, गिफ्ट सब कुछ मिल जाएगा। दिया वगैरह पूजा मंदिर में जो भी यूज़ होता है, गिफ्ट का सामान सब मिल जाएगा। ये मंदिर 1847 ब्रिटिश टाइम पे स्टार्ट हुआ बनवाना, फिर ख़त्म हुआ 1855 में। करीब 8 साल का मेहनत के बाद और उस टाइम का 9 लाख रुपया खर्चा होने के बाद जाके ये मंदिर बना है। हम लोग पूजा देके बाहर आके, थोड़ा ऑरेंज खड़ा था बाहर, तो मैंने देखा लोग हनुमान को भी खिला रहा है, तो मैंने भी गया खिलाने के लिए। बाएँ हाथ से मैंने दे रहा था, ले ही नहीं रहा था, बाकी सब लोग दे रहे हैं, खाना खा रहे। फिर एक आदमी ने बोला बाएं हाथ से दोगे तो नहीं लेगा, दाएं हाथ से दो ले लेगा। यहाँ पे माता काली का मंदिर का साथ साथ मंदिर का कंपाउंड में 12 शिवलिंग भी है, तो वहाँ पे जल प्रदान कर सकते हैं आप। ये जो दक्षिणेश्वर मंदिर है ये हुगली रिवर का पास ही निर्मित है, जो कि गंगा का और एक नाम है हुगली रिवर, ये भी है गंगा नदी। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा गंगा जल लेंगे घर के लिए पूजा के लिए, और यहाँ से हम लोग भोग लेने चलेंगे। दक्षिणेश्वर मंदिर में भी दोपहर को भोग का बंदोबस्त है, बट उसका एक लिमिटेशन है, तो हम लोग को टिकट नहीं मिला, इसलिए हम लोग उसका नज़दीकी और एक मंदिर है जिसका नाम है आद्यापीठ मंदिर, तो वहाँ पर बहुत देर तक लंच में भोग मिल जाता है। पर पर्सन 60 रुपीस, तो वहाँ पर सबको बैठ के आराम से भोग खिलाते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप लोग अगर आ रहे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ से लंच करके हम लोग वेलूर मठ का तरफ चलेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।